हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एवरीवन टू माय चैनल जेपी टेक्निकल इन्फो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटीसी पेपर एनालिसिस को। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटीसी में पूछे गए क्वेश्चन को। तो फ्रेंड्स, यहां पे हम जो कि मेमोरी बस क्वेश्चन को एनालिसिस करने वाले हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन आया था। तो फ्रेंड्स, इसमें जो कि आपका टेक्नीशियन जो इलेक्ट्रिशियन में के एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको यहाँ पर हम देखने वाले हैं, जिसका पेपर फ्रेंड्स आपका जो कि 29 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो फिर वीडियो को लाइक जरूर देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और चैनल पर पहली बार वीडियो के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक जो कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जहां पे मैं इसका पेपर का जो पीडीएफ है उसे पोस्ट कर दूंगा, वहां से जाकर के आप इजीली पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, देर न करते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट, और आपको दिखाते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन और पेपर का लेवल क्या रहा। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि इसमें जो कि 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के थे और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल थे। नॉन टेक्निकल फ्रेंड्स आपको जो कि इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, जीके, जीएस सभी क्वेश्चन आए थे, और टेक्निकल में केवल आपके जो कि 50 क्वेश्चन टेक्निकल के थे। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको पेपर की तरफ ले चलते हैं और दिखाते हैं कि कैसा रहा पेपर का लेवल, जो कि आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं। फ्रेंड्स, यहां पे आपके सामने गाइस, यहां पे जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एनसीईआरटीसी के टेक्नीशियन इलेक्ट्रिशियन का पेपर है आपके सामने। इसमें फ्रेंड्स जो कि पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि हम प्योरली जो कि टेक्निकल के जो क्वेश्चन है उसको यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था आपका वो ये था कि फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जो फ्यूज होता है वो जो कि हीटिंग प्रिंसिपल पे काम करता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो ऑप्शन में रहेगा हीटिंग इफेक्ट पे, तो उसको जो कि आप सही कर देंगे, या फिर हिंदी में रहा होगा तापन या ऊष्मीय प्रभाव पे। फ्रेंड्स, दूसरा क्वेश्चन है आपका कि इलेक्ट्रिक मशीन में ओवरलोड से सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ओवरलोड से या फिर ओवर करंट से जो सेफ्टी प्रोवाइड करता है हमें मशीनों में, वो क्या होता है? फ्यूज होता है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो कि फ्यूज का ऑप्शन सही है, ऑप्शन को देखते हुए यहाँ पे फ्यूज ही सही है, जैसा कि कैंडिडेट ने हमें बताया था। तो फ्रेंड्स देखिए, बैटरी से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन जो है, यहाँ पे आपका शुष्क सेल में किस विद्युत अवघट का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे तीनों का ही प्रयोग किया जाता है आपका, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl और MnO2 मैंगनीज डाइऑक्साइड और ZnCl2 जिंक क्लोराइड, इन तीनों का जो प्रयोग होता है विद्युत अवघट के रूप में किया जाता है, किसमें? ड्राई सेल में, या फिर कहें कि शुष्क सेल में। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका डीसी सीरीज जनरेटर को काम में लेते हैं, किस काम में लेते हैं? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो है ऑप्शन आपके यहाँ पे कई शो हो रहे हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जिस भी ऑप्शन में आपको यहाँ पे सीधे याद रखना है फ्रेंड्स कि डीसी सीरीज जनरेटर को एज अ बूस्टर के रूप में हम जो कि यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका बूस्टर वाला ऑप्शन सही होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बूस्टर वाला ऑप्शन आप सही टिक करेंगे। डीसी सीरीज जनरेटर का यूज क्या होता है? बूस्टर के रूप में होता है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका कि पहाड़ी इलाकों में कौन से अर्थिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स, पहाड़ी इलाकों में आपका ऑप्शन में था रॉड अर्थिंग या पाइप अर्थिंग। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपका जो रॉड अर्थिंग है वो ऑप्शन सही होगा, और पाइप अर्थिंग नहीं होगा। पहाड़ी इलाकों में जो पाइप अर्थिंग में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ पर फ्रेंड्स क्या यूज़ करें हम लोग? रॉड अर्थिंग को यूज करते हैं पहाड़ी इलाकों में। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका आईएएस नियम के अनुसार अर्थवायर का रंग कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अर्थवायर का रंग आपसे पूछा है कैसा होता है। तो फ्रेंड्स, इसका जो राइट आंसर है वो हरा होता है। तो फ्रेंड्स, जो अर्थवायर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपका कि लैम्बर्ट का कोज्या नियम क्या है। तो इसके लिए फ्रेंड्स जो कि आपको याद रखना है कि लैम्बर्ट का कोज्या नियम क्या होता है, ई प्रोपोर्शनल टू होता है आई का सीटा अपन डी स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर। डी क्या है फ्रेंड्स? यहाँ पे दो जो कि प्रकाश स्रोत के बीच की दूरी है, और आई क्या है आपका? ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, जो जिसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी को फ्रेंड्स कहते हैं ज्योति तीव्रता। यहाँ पे कॉस थीटा जो कि एंगल है। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से इस फार्मूले को आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट फार्मूला है आपका ये। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आपका कि हथौड़े द्वारा चोट मारते समय हथौड़े का कौन सा भाग किले या अन्य पुर्जे पर प्रहार करता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे ये होगा आपका फेस। तो यहाँ फ्रेंड्स इसको जो कि आप फेस कर देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका नर्म शोल्डर व हार्ड शोल्डर का तापमान होता है। तो फ्रेंड्स, ये आईटीआई के लिए वैकेंसी थी, तो इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आईटीआई लेवल के ज़रूर देखने को मिलेंगे, जैसे कि देख लीजिए हथौड़े वाला आपका जो क्वेश्चन है, या फिर ये देख सकते हैं नर्म शोल्डर या फिर हार्ड शोल्डर वाला। तो यहाँ फ्रेंड्स, जो नर्म शोल्डर का टेम्परेचर होता है वो 450 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है, और हार्ड शोल्डर होता है 450 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है टेम्परेचर। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके सामने, VIR तार का उपयोग कितने वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो यहाँ फ्रेंड्स आप देख सकते हैं कि VIR का मतलब होता है फ्रेंड्स आपका कि वल्कनाइज्ड इंडिया रबर।
ये फ्रेंड्स VIR का फुल फॉर्म है, इसे आपको याद रखना है। और जो इसका जो यूज किया जाता है मेनली, इसका जो यूज होता है लो वोल्टेज के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका VIR केबल अब जो कि फ्रेंड्स आपकी जानकारी के लिए बता दें कि VIR केबल अब यूज नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ फ्रेंड्स बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स है आपका कि कलर कोडिंग से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें आपके पूछे गए थे। तो कैसा क्वेश्चन पूछा गया था नीचे के PDF में आपको मैं दिखा दूंगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, विवाह समारोह में वायरिंग किस प्रकार का होता है। तो फ्रेंड्स विवाह समारोह हुआ या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन है तो वहाँ पे अस्थाई वायरिंग की जाती है, और अस्थाई वायरिंग में आपका दिया होगा ऑप्शन क्लीट वायरिंग। तो यहाँ पे फ्रेंड्स समझो कि क्लीट वायरिंग को सही करेंगे। चलिए फ्रेंड्स हम अगले क्वेश्चन को लेते हैं। मोटर में दो कॉयल के बीच की दूरी क्या होती है। तो फ्रेंड्स ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दो कॉयल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स दो कॉयल के बीच की दूरी को हम कॉयल पिच कहते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14 कि ओम इनवर्स किसकी यूनिट है। तो फ्रेंड्स जो ओम होता है वो आपका रेजिस्टेंस का मात्रक होता है, और जब हम इसे लिख देते हैं फ्रेंड्स 1/ में ओम लिखते हैं तो ये फ्रेंड्स आपका हो जाता है ओम यूनिवर्स। तो या फिर इसको फ्रेंड्स ओम के पावर -1 कहिए, या फिर ओम इनवर्स कहिए, या फिर इसी को फ्रेंड्स हम लोग महो भी कहते हैं। देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे PDF में लिखा गया है ऑलरेडी कि ओम इनवर्स को आप जो कि महो भी कर सकते हैं। तो महो जो फ्रेंड्स आपका यूनिट होता है वो होता है कंडक्टेंस का यूनिट होता है। तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कि ओम इनवर्स किसका होता है, कंडक्टेंस इसका सही करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो कलर कोडिंग से क्वेश्चन आया था वो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। तो यहाँ फ्रेंड्स था 210 ओम 5% टॉलरेंस का कलर कोड निकालिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5% जो होता है वो गोल्ड के लिए होता है, और 10% जो होता है वो आपका सिल्वर के लिए होता है, और नो बैंड के लिए क्या होता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका 20% होता है कलर कोड, 20% आपका होता है फ्रेंड्स नो बैंड के लिए। तो फ्रेंड्स एक इसके लिए ट्रिक होता है, बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ वेरी गुड वाइफ। तो फ्रेंड्स उस वाले ट्रिक से आप इसको जो कि सॉल्व कर सकते हैं कि बीबी राय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज़ अ वेरी गुड वाइफ। तो इससे आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दें, और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के एक और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो और अपडेट के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।